दोस्तों, विकास एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग गवर्नर जनरल सीरीज का जो पहला गवर्नर जनरल हैं वारन हेस्टिंग्स, उनके बारे में आज जानेंगे। देखिए, वारन हेस्टिंग्स 1772 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बने? वारन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन आ सकता है, हु वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? आंसर होगा वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वारन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 85 तक वो गवर्नर जनरल बंगाल के थे। और दूसरा चीज़ है, वो गवर्नर जनरल जो बंगाल के बने, कैसे बने, कौन से एक्ट में बने, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला चीज़ ये है, रेगुलेटिंग एक्ट एक था 1773 में। मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके तहत ये वारन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। ठीक है, अभी उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, क्या काम किए भारत में, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़, जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में हुआ था, इंडिया का पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग बना था, ब्रिटिश लॉ के हिसाब से बना था, वो इनके समय में हुआ था। तो क्वेश्चन आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में कब बना? 1774 में। और उसी समय कौन थे गवर्नर जनरल बंगाल का? वारन हेस्टिंग्स। और वारन हेस्टिंग्स टाइम में क्या हुआ? रोहिला वार हुआ था, याद रखना चाहिए, रोहिला वार 1774 में हुआ था। उसी समय वारन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बंगाल में थे। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 1781 एक एक्ट आया था, 1781 में, उसमें क्या हुआ मैं बताना चाहता हूँ। जो गवर्नर जनरल जो काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट, उसके बीच में क्या हुआ, एक डिमार्केशन हुआ। डिमार्केशन का मतलब होता है, जैसे गवर्नर जनरल जो होते हैं, उनका जो काउंसिल होता है, उनका पावर सेपरेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के पावर से, ताकि ये इजी हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कलकत्ता में मद्रास अभी सेटअप हुआ उसी साल 1781 में। 1781 में दो चीज़ हुआ, क्या क्या हुआ, एक तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो था उनका पावर, और गवर्नर जनरल जो काउंसिल उसका पावर सेपरेट कर दिया गया, और कलकत्ता में मद्रासा पहली बार सेटअप हो गया। और मैं बताना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम का जो लॉ है, उनको रीडिफाइन किया गया इनके टाइम पे, वारन हेस्टिंग्स के टाइम पे। और पीट्स इंडिया एक्ट 1784 वारन हेस्टिंग्स टाइम में पास हुआ था। और पीट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में हुआ था, आपको पता होगा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर सेटअप हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में वो सुझाव देंगे, काम करेंगे। और एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल में था, वो भी सेटअप हुआ 1784 में। आपको पता होगा, सर विलियम जोन्स 1784 में सेटअप किए, एस्टेब्लिश किए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वो भी वारन हेस्टिंग्स टाइम पे हुआ था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 84 तक, जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से कंक्लूड हुआ, मतलब समाप्त हुआ, जहाँ पे टिप्पू सुल्तान थे, पता है आपको। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, पीट्स इंडिया एक्ट, और ये सारी चीज़ें इनके समय में हुआ था। और एक बड़ा बात हुआ था, जो मनुस्मृति जो होता है, उसका ट्रांसलेशन, हिंदू लॉ ट्रांसलेशन भी इनके टाइम पे हुआ था। और गीता का भी ट्रांसलेशन, और हितोपदेश, गीता और हितोपदेश दोनों जो बुक है, सैक्रेड बुक है, होली बुक, उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ था। कौन किए थे ट्रांसलेशन? चार्ल्स विल्किंस। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, चार्ल्स विल्किंस कौन से दो बड़े किताब या होली बुक उसको ट्रांसलेट किए थे इंग्लिश में? वो होता है गीता एंड हितोपदेश।
और डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी समाप्त हो गया इनके टाइम पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और दीवानी फौजदारी अदालत जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाँ ये भी सेटअप हुआ था। और सदर दीवानी निजामत अदालत जो अपेलेट कोर्ट होता है वो भी सेटअप हुआ। फर्स्ट मराठा वार 1778 से लेकर 82 तक हुआ था, जो ट्रीटी ऑफ सालबाई में एंड हुआ था, समाप्त हुआ था, कंक्लूड हुआ था, इनके टाइम पे हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये था आपका गवर्नर जनरल सीरीज का पहला गवर्नर जनरल जो बंगाल का, उनका नाम है वारन हेस्टिंग्स, इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था। मैं आपको फिर से दोबारा बोल देता हूँ कि इनके टाइम में क्या क्या हुआ था। शॉर्टकट में वारन हेस्टिंग्स के टाइम में ये हुआ था, पहला चीज़ याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट हुआ था कलकत्ता में, मद्रास में हुआ था कलकत्ता में, रोहिला वार भी हुआ था 1774 में, और फर्स्ट मराठा वार भी हुआ था 1778 में, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार भी हुआ था, और 1784 पीट्स इंडिया एक्ट भी पास हुआ था, मनुस्मृति ट्रांसलेशन हुआ था, गीता हितोपदेश चार्ल्स विल्किंस ने ट्रांसलेट किए थे, और एक चीज़ ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोर्ट भी सेटअप हुआ था इनके टाइम पे। हाँ ये चीज़ अगर ध्यान रख दे तो कोई भी क्वेश्चन आता है आपका वारन हेस्टिंग्स के बारे में तो आपका हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। विश यू हैप्पी लर्निंग। फिर अगले लेसन में हम लोग दूसरे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे 1786 से लेकर 93, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। विश यू हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।